तो अभी पार्किंग के लिए मैं जा रहा हूँ, और रास्ते पे ये विलेजेस हैं, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, लेकिन अब यहाँ से 2 घंटे और शायद पार्किंग है। और एक्चुअली लुकला जाना था, बट पार्किंग से फिर मुझे कल के लिए नज़दीक पड़ेगा, पार्किंग वाला रास्ता शॉर्ट है। तो फिर जो मेरे साथ एक भैया थे सोनम भैया, मेरे को रास्ते में मिले थे, तो वो लुकला की साइड गए एंड देन मैं पार्किंग की साइड आया। और ये पागडिंग का रास्ता है, 2 घंटे और आई थिंक रात हो जाएगी। क्या पता मुझे रास्ते में बीच में भी कैंप करना पड़ेगा या फिर रुकना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं चल रहा हूँ आगे की ओर। और ये प्यारे प्यारे विलेज रास्ते में मिल रहे हैं। ओए होए डाँव से लॉज पीछे छूट गया। और एक मेरे को कन्फ्यूज़न थी कि मुझे लगा ये इसमें मंत्र या नोटिस वगैरह है, बट जो इन्होंने बना रखे रास्ते में विलेज के हर विलेज के आसपास, और इसमें बुद्धिस्ट में लिखा है। तो भैया ने मुझे बताया कि ये जो है कि यहाँ के जो लोग होंगे इनके एंसेस्टर या फिर जो भी मर जाते हैं लोग, तो उनके नाम पे एक प्लेट यहाँ पे पत्थर का बना के लगा देते हैं, जिसमें उनका बर्थ और डेथ और जो जो उन्होंने मतलब अचीवमेंट रही होगी उनकी लाइफ की, तो वो सब लिख के यहाँ पे लगा देते हैं। सबके तो नहीं लगाते होंगे, आई थिंक जो इस गांव के ज़्यादा फेमस लोग होंगे, जिन्होंने ज़्यादा अचीवमेंट अपने लाइफ में अचीव किए होंगे, उनके लगाते होंगे। तो काइंड ऑफ रिकॉर्ड रखने के लिए, जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उस टाइप से ये लोग रिकॉर्ड रखने के लिए ये पत्थर वगैरह लगाते हैं। कुछ इस तरीके का मैंने रूम लिया है, ये सेकंड फ्लोर है और ये पूरा वुडन से बना हुआ है। एंड एक्चुअली टेंट जो है ना वो पूरा गीला हो गया था, तो कैंप करना तो आज बहुत बेकार था, तो मैंने टेंट सुखा दिया है एंड मैंने कपड़े वपड़े भी थोड़े सुखा दिए हैं। और ये रूम है, एक बेड ये है, ये एक बेड ये है, ये खाली है, इस बेड को मैं यूज़ करूँगा। एंड यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा व्यू। इन्होंने गेहूं लगा रखा है एंड सामने जंगल है। एक्चुअली मुझे पागडिंग पहुंचना था, बट मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, यहाँ तक आते आते एग्जॉस्ट हो गया। पागडिंग यहाँ से मतलब 2 आवर्स और दूर होगा, 2 किलोमीटर जितना, सॉरी 2 घंटे का रास्ता और है। तो पागडिंग में कल सुबह निकल जाऊँगा। एंड मेरा सामान ये फैला पड़ा है अभी फ़िलहाल, मेरे पे एक ही बैग है, स्लीपिंग बैग मैंने फिर से सुखा दिया है एंड जैकेट वगैरह सुखा दिया है। एंड 400 रुपीज़ का ये रूम है, रूम बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया है। एक चीज़ ये है कि यहाँ पे प्लग नहीं है चार्ज करने का, ये मैंने नोटिस किया, मुझे आई थिंक नीचे जाना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। एंड ये जो वुडन से बना हुआ पूरा एकदम ही क्लोज है, एयर टाइट क्लोज है। एंड नीचे से हल्का सा गैप है दरवाजे के नीचे से हल्का सा, तो रात को सोते हुए सारे विंडोज़ बंद करके मत सोना। एंड रात को सोते हुए यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है, तो सोते हुए हल्का विंडो खोल के ताकि एयर पास होता रहे, क्योंकि रात को ऐसा हो सकता है कि लो ऑक्सीजन की वजह से आपकी सोते सोते ही डेथ हो सकती है, ऐसा कईयों के साथ हुआ है यहाँ पे खासकर, तो ऐसा कुछ है। एंड वॉशरूम वगैरह दिखाता हूँ आपको, ये गैलरी है, यहाँ नीचे से मैं आया था अभी, नीचे किचन वगैरह है एंड एक फ्लोर ऊपर भी है। और ये पूरा वुडन से बना हुआ है एंड एक वॉशरूम इधर है और एक वॉशरूम इधर है। ये मेरा टेंट जो मैंने फ़िलहाल सुखा दिया है, और इसमें बारिश की बूंदें, ओस की बूंदें हैं, दरअसल ये पता नहीं कैसे सूखेगी, सूखेगी भी या नहीं सूखेगी, क्योंकि धूप है नहीं और रात को दोबारा ओस पड़ने लग जाती है। ये लोअर सुखा दिया, सॉक सुखा दिया एंड ये मैं, बुरे हाल हो रखे हैं फिलहाल। तो सामने खेत वगैरह है, प्यारा से गाँव, और इस गांव में इतनी शांति है ना, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है। दूर नदी है और नदी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है।
किसी आदमी की हल्की सी आवाज़ भी नहीं आ रही, एकदम शांति है। तो एक्चुअली यहाँ के विलेज में लोग रहते हैं बट दूर दूर रहते हैं, और गाना बजाना वगैरह कुछ है नहीं शायद, मतलब एकदम शांति है। बेस कैंप का अभी तक का मेरा सफ़र अच्छा रहा, ठीक रहा, बहुत मेहनत करी मैंने, चढ़ाई चढ़ा फिर उतराई, फिर न जाने कितने पहाड़ क्रॉस करके और कितनी नदियाँ क्रॉस करके मैं यहाँ पहुँचाऊँ। एंड यहाँ से 4 डेज़ और लगेंगे आई थिंक मुझे बेस कैंप सबमिट करने को। एंड उसके बाद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं गोक्यो लेक भी जाऊँगा, कन्फर्म नहीं है बट अगर हाँ मेरे पास टाइम और रहा तो मैं गोक्यो लेक भी घूम के आऊँगा। एंड देखते हैं क्या होता है। और ये पहाड़ जितने ज़्यादा खूबसूरत है ना उतने ज़्यादा डेडलीस्ट है। यहाँ पे लो ऑक्सीजन हाई एल्टीट्यूड की वजह से एंड हाइपोथर्मिया ठंडे ठंड की वजह से हो सकता है, और मतलब इंजरी वगैरह बहुत हो सकती है चढ़ाई में ऊपर नीचे जाते हुए, बहुत डेडलीस्ट है। और आज ही के दिन जैसे हम आ रहे थे सामने से खरीकोला से आगे की साइड निकल रहे थे, तो आते आते रास्ते में एक बंदे की डेथ हो गई थी। एक्चुअली वहाँ पर माइनिंग हो रही थी और वो रोड बंद करा हुआ था, तो बट आई डोंट नो कि वो लोग वहाँ से कैसे पास कर रहे थे, किसी ने उन्हें रोका या रोका नहीं, और वो वहाँ से जैसे ही पहुँचे और ऊपर से माइनिंग वालों ने ब्लास्ट किया एंड देन ऊपर से पत्थर गिरे तो वो उसके नीचे पिचक गया, बहुत ही ज़्यादा डेडलीस्ट था। एंड देन हम दूसरे रास्ते से आए, फिर वो रास्ता बंद ही था वैसे तो, एंड दूसरे रास्ते से आए मैं यहाँ पहुँचा। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है, इससे ऊपर भी कई ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो लो ऑक्सीजन की वजह से और बहुत सारी चीज़ों के मतलब चीज़ों की वजह से ठंड की वजह से तो बहुत ज़्यादा डेडली से ये पहाड़। फ़िलहाल मेरे लिए आज का दिन इतना कुछ खास नहीं था, आज का दिन तो बेकार ही था क्योंकि कुछ भी अमेजिंग थिंग नहीं थी और कुछ भी ऐसा कुछ अमेजिंग सा व्यू मैंने देखा नहीं है ना, सब सेम ही था। बट यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आई थिंक नामचे मार्केट है, वो बहुत ही फेमस मार्केट है और बहुत हाई एल्टीट्यूड में बसा हुआ मार्केट है और बहुत बड़ा मार्केट है, आप इमेजिन ही करोगे बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा है वहाँ। एक्चुअली वहाँ तक रोड भी नहीं जा रही कि जो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हेलीकॉप्टर और खच्चर वगैरह से होता है, लेकिन वो नामचे मार्केट बहुत फेमस है। तो कल वहाँ मैं पहुँचूँगा और देखूँगा। एक्चुअली मुझे पैसे वगैरह भी निकालने हैं तो मेरे पे वीज़ा कार्ड पड़ा हुआ है, देखता हूँ वहाँ जाके पैसे वगैरह निकलेंगे या फिर क्या सीन रहता है। और बेस कैंप जाना इतना इजी नहीं है यार जितना आपने ऊंचाई मूवी में देखा होगा। एक्चुअली मूवी अच्छी थी, उसकी बुराई नहीं कर रहा मैं, बट जैसे उसमें दिखा रखा है कि बंदा मतलब अमिताभ बच्चन बीमार है एंड देन वो फिर भी चल रहा है ऑक्सीजन मास्क लगा के फिर भी ऊपर तक जा रहा है, तो भाई वो ऐसा, और एज भी उनकी 70-80 साल है, तो भाई वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ में अगर ऐसा होगा करने लग गया ना कि आपको आपको मतलब बीमारी है एंड आप ऑक्सीजन लेके चल रहे हो आप जुनून के साथ, भाई जुनून जुनून से कुछ नहीं होता। वहाँ तक जाते जाते आप सीधा परलोक सिधार जाओगे। यहाँ पे बहुत ही टफ है सर्वाइव करना वहाँ तक बेस कैंप तक, और एवरेस्ट तो छोड़ ही दो, एवरेस्ट चढ़ने की बात तो छोड़ ही दो, बहुत ही टफ यहाँ पे है सर्वाइव करना।